दिस लेलन टॉप वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मैं हूँ प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ललन टॉप। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, शॉर्ट में GST। केंद्र की बीजेपी सरकार इसे सबसे बड़ा टैक्स उधार बताती है, लेकिन कुछ लोग इसके लूप होल्स का, इसकी कमियों का फायदा भी उठा रहे हैं। GST भरने के मामले में फर्जीवाड़ा चल रहा है, नकली बिल और रसीदों के जरिए GST की चोरी की जा रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस यानी DGGI के मुताबिक नकली बिलों के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर देश भर में अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी की गई, नवंबर के महीने में ही 25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 1180 के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। ऐसा भी शक है कि GST चोरी के इस खेल में मनी लॉन्ड्रिंग को भी अंजाम दिया जा रहा है, मतलब नकली बिलों के जरिए काले धन को सफेद बनाया जा रहा है। GST चोरी पर लगाम के लिए केंद्र सरकार COFEPOSA यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के तहत कार्रवाई करने पर विचार कर रही है। ये कानून 1974 में इंदिरा गांधी के समय बना था। मकसद था विदेशी मुद्रा को बचाए रखना और स्मगलिंग रोकना। इसके अलावा GST से जुड़े कानून, इनकम टैक्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधान तो हैं ही। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक नकली बिल के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर एक अधिकारी ने कहा, नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC का असली अमाउंट कितना है इसका पता लगाया जा रहा है। छापेमारी और जांच जारी है ताकि उन लोगों की पहचान की जा सके जो इस रैकेट में शामिल हैं। नकली बिलों के जरिए GST इनकम टैक्स छिपाने वालों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को पकड़ने पर जोर है। जिन चीज़ों के लिए नकली बिल बन रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोहे और स्टील के सामान, तांबे की रॉड, तार, रद्दी, प्लास्टिक के टुकड़े, रेडीमेड कपड़े, सोना और चांदी हैं। अधिकारी का कहना है कि चोरी के खिलाफ अभियान में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ED भी करेगा, क्योंकि नकली बिलों में सिर्फ GST की चोरी नहीं बल्कि अवैध तरीके से पैसे विदेश भेजने के भी संकेत मिले हैं। फर्जी बिल का इस्तेमाल बैंकों से बड़े लोन लेने में भी हुआ है। ये बाद में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी NPA यानी डूबे हुए कर्ज में तब्दील हो सकता है। GST चोरी के खिलाफ अभियान से पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट यानी DGARM, DGGI और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने डेटा का मिलान किया। इसके बाद नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, लुधियाना, चेन्नई, नागपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भिलाई, जोधपुर और हैदराबाद में छापेमारी की और कार्रवाई की गई। इनके अलावा मथुरा, रायपुर, विशाखापत्तनम, जमशेदपुर, पटना, इम्फाल, मेरठ, गुवाहाटी, पुणे, सिलीगुड़ी, भोपाल और भुवनेश्वर जैसे शहरों में भी अभियान चलाया गया। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहें हमारे YouTube और Facebook चैनल्स और डाउनलोड कर लें हमारी ऐप जो दी ललन टॉप के नाम से एंड्रॉयड पर उपलब्ध है। शुक्रिया। ललन टॉप लटक शॉर्ट्स, यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना, हमारे है इश्क मस्ताना, हमने को होशियारी क्या, किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बदला भी दूं पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।